तो लिस्ट बढ़ाई इतनी लंबी लंबी जेलों की, धमकियां दे रहे हम जेलों में डाल रहे हैं, और जेल से कौन डरता है, जान देने के लिए तैयार है। वजीर आजम के सिर्फ एक पैर में चप्पल थी, दूसरे में नहीं, वो भी बेनजीर जैसी वजीर आजम। ये मंजर है 20 सितंबर 1996 के उस रात का, जब पाकिस्तान के उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो अपने प्यारे भाई मीर मुर्तजा भुट्टो की मौत पर शिद्दत गम से निडाल होकर कराची के इलाके क्लिफ्टन में अस्पताल में पहुंची थी। 42 साल मुर्तजा बेनजीर की अस्पताल आमन से चंद घंटे कबल ही अपने मुहाफिजीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे। तिबी इमदाद के दौरान ही दम तोड़ गए थे। लेकिन क्या ये इंतहाई मुतनाज़े और हमेशा पुरसरार समझी जाने वाली कार्रवाई वाकई पुलिस मुकाबला था, या मीर मुर्तजा का कत्ल एक सोची समझी साजिश था? ये और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी, दुनिया भर के ज़राए अबलाग, कराची पुलिस से लेकर बरतानवी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड तक तमाम तफ्तीशी अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम, अदालतें, तहकीकती कमीशन और सबसे बढ़कर भुट्टो खानदान 26 साल से तलाश कर रहे हैं। ये कहानी समझने के लिए भुट्टो खानदान की ज़िंदगी और सियासत पर एक नज़र डालते हैं, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। जब दुनिया में सियासी खानदानों की बात आती है तो सबसे पहले कैनेडी खानदान का नाम लिया जाता है, उसके बाद इंडिया के नेहरू गांधी खानदान और पाकिस्तान के भुट्टो खानदान का नाम आता है। इन तीनों घरानों में एक कदर मुश्तरका यह है कि इनके बेशतर अफराद तिब्बी मौत नहीं मरे। मीर मुर्तजा भुट्टो की कहानी की इब्तदा 4 अप्रैल 1979 को होती है, जब फौजी आमिर जनरल ज़िया ने पूरी दुनिया की अपील को मुस्तरद करते हुए पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौत का इंतकाम लेने के लिए भुट्टो के दोनों बेटों ने हथियार उठा लिए और अल ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम की बुनियाद डाली। दोनों पहले अफगानिस्तान और शाम में एक साथ रहे, लेकिन बाद में शाहनवाज अपनी एलिया के साथ फ्रांस में रहने लगी। सन 1985 में शाहनवाज भुट्टो मुर्दा हालत में पाए गए और ये शुबा जाहिर किया गया कि उन्हें जहर दिया गया है। बाद में पुलिस ने भी तस्दीक की कि शाहनवाज के जिस्म में जहर मिला था। 18 सितंबर 1954 में पैदा होने वाले मीर मुर्तजा भुट्टो जनरल ज़िया की मौत के बाद जब बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो उस वक्त मीर मुर्तजा शाम में थे। मीर मुर्तजा भुट्टो को कहा गया कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ तैयारी के अगवा का मुकदमा चल रहा है, इसलिए उनका वहाँ आना ठीक नहीं होगा। मुर्तजा के वापस आते ही उनके अबाई शहर लाड़काना में पुलिस ने उनकी हामियों पर फायरिंग कर दी। उनकी वालदा नुसरत भुट्टो इतनी भरम हुई, उन्होंने इसलिए अपनी बेटी बेनजीर को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। वो उन्हें बेनजीर की बजाय मिसेज जरदारी भी कहने लगी थी। मुर्तजा और उनकी बहन के दरमियान तलखी बढ़ने लगी, मुर्तजा की जबान भी तेज होने लगी और उसका निशाना उस वक्त की हुकूमत बन रही थी। उधर सरकारी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होंगे शहीद के कातिल, और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीद के कारकुन। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो मुझे गिरफ्तार करें अगर वो इसके सियासी नताज बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हों। मुर्तजा भुट्टो उसी दिन शाम को 8 बजे रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर लौट रहे थे। उनकी बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं, मेरी वालदा किचन में खाना बना रही थी, मैं अपने छोटे भाई जुल्फी के साथ अपने वालदैन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। उसी वक्त मेरी एक दोस्त नूरिया का फ़ोन आया, अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जुल्फी को गोद में लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागी, माँ भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। हम वहाँ आधे घंटे बैठे रहे। हमने अपने चौकीदार को बाहर ये देखने के लिए भेज दिया था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फातिमा और गनवा भुट्टो की परेशानियों में इजाफा होता गया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे घर के आसपास बहुत सारी पुलिस तैनात थी। जब मेरे वालिद ज़्यादा देर तक घर नहीं आए तो मैंने अपनी फुफ्फी को फ़ोन करने का फैसला किया। काफ़ी देर बाद उनके शोहर आसिफ जरदारी फ़ोन पर आए। उन्होंने कहा कि मैं फुफ्फी से बात नहीं कर सकती। जब मैंने कहा यह बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे वालिद को गोली लग गई है। फातिमा और उनकी वालदा गनवा कार में बैठकर जल्दी से मिड ईस्ट अस्पताल पहुंची। बाद में फातिमा भुट्टो ने अपने किताब में लिखा कि मुझे याद है जब मैं अस्पताल में दाखिल हुई तो मैंने अपने वालिद के पांव देखे, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मम्मी दौड़कर पापा के पास गईं, वो एक बेडरूम पर बेहोश लेटे थे। मेरी वालदा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये कहने लगी कि जागो मेरे मीर, जाग जाओ। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो अपने मुर्दा भाई को देखने के लिए नंगे पाँव मिड ईस्ट अस्पताल पहुंची। मुर्तजा भुट्टो के हामियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुर्तजा को कराची पुलिस ने मंसूबा बनाकर कत्ल किया है,
पुलिस ने पहले स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया और फिर मुर्तजा के काफिले पर फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस ने इस बात की तरदीद की थी। पुलिस के एक सीनियर अफसर शोएब सिद्दल ने कहा कि पुलिस भुट्टो के साथ आने वाले बंदूक बरदारों को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उन्हें रोकने का इशारा किया गया, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस को अपनी दिफा में गोली का जवाब देना पड़ा। 5 दिसंबर 2013 को कत्ल से वाबस्ता बहुत से अफराद को बरी कर दिया गया, लेकिन मुर्तजा की बेटी फातिमा इकदार से मुंसलिक चंद लोगों को मौरूद इल्ज़ाम भी ठहराती रही है। आज शहीद की बरसी बनाई जा रही है, लेकिन मुर्तजा की मौत पर उठने वाले सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल सका। लिस्ट बढ़ाई इतनी लंबी लंबी जेलों की, धमकियां दे रहे हम जेलों में डाल रहे हैं, और जेल से कौन डरता है, जान देने के लिए तैयार है। टू वॉच मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।